की बड़ी खबर, नगरपालिका परिषद बना मारपीट का अखाड़ा। आपको बता दें कि नगरपालिका परिषद में कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला मीडिया के कैमरे में कैद हुआ। इसी के मद्देनजर रखते हुए अपनी रंगदारी के चलते कुछ दबंग लोग नगरपालिका परिषद में कर्मचारी को जूते से मारते हुए नजर आए। इसी के दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर ही पहुंचकर दबंग लोगों को पुलिस कोतवाली ले गई। इसी के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों को कोतवाली लाई। संबंधित मामले में प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका परिषद के स्थानीय कार्यालय परिसर में दुकानदार द्वारा पालिका में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। आपको बता दें कि नगरपालिका परिषद के स्थानीय कार्यालय परिसर में धर्मेंद्र यादव व नगरपालिका कर्मचारी ब्रजेश कुमार के बीच विवाद हो गया। साथ ही गाली गलौज के बाद मारपीट भी शुरू हो गई। वहीं वायरल हुए वीडियो में धर्मेंद्र यादव नगरपालिका कर्मचारी ब्रजेश कुमार को जमीन पर पटक कर मारते दिख रहे हैं। मारपीट की घटना के बाद दुकानदार धर्मेंद्र यादव पुत्र नरेंद्र यादव निवासी कछोरन ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर नगरपालिका कर्मचारी ब्रजेश कुमार व हेमंत कुमार के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। इसी के दौरान अपनी रंगदारी को लेकर हुए विवाद में घायल ब्रजेश कुमार ने भी पुलिस को शिकायती पत्र देकर धर्मेंद्र यादव पर रंगबाजी को लेकर गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाया। पुलिस दोनों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है। वहीं कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों की शिकायतें मिली हैं, जांच की जा रही है, जो सही होगा उसी के अनुसार कार्यवाही भी की जाएगी। सूबे की योगी सरकार में अगर इसी तरह सरकारी दफ्तरों में भी मारपीट होती रही तो आम आदमियों का क्या होगा। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन इसमें कितनी सख्त कार्यवाही करती है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। महोबा कोतवाली प्रभारी विपिन कुमार त्रिवेदी की कार्यशैली पर उठ रहे हैं कई सवालिया निशान। आपको बता दें कि दिनांक 4 मई 2019 के प्रार्थना पत्र पर नहीं हो सका दर्ज चोरी का मुकदमा, जबकि सीसीटीवी कैमरा के भी फुटेज है। वीडियो सबूत में कोतवाली प्रभारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोबा ने किया आदेश मुकदमा दर्ज करने का। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कैसे होगा इस चोरी की घटना का खुलासा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेल। जनपद मुरादाबाद में मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मां गंगा प्रदूषण मुक्ति समिति राम गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए अभियान में लगी है। इस अभियान के तहत निम्न बिंदुओं पर कार्यवाही हेतु आपको यह ज्ञापन प्रेषित कर रही है कि आगामी पर्व गंगा दशहरा से पूर्व महानगर मुरादाबाद स्थित राम गंगा नदी व नदियों में पानी छोड़ने की व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं मुरादाबाद में स्थित राम गंगा नदी पर बनाए जाने हेतु पूर्व में प्रस्ताव पारित हो चुका, परंतु आज तक के उक्त प्रस्ताव पर तटबंध का निर्माण नहीं कराया गया, जिसे जल्द से जल्द कराया जाए। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का बहाव बदलने हेतु बलिया वाले के कट्टी भर का नदी में डाले जा रहे, जिससे नदी का बहाव बदल जा रहा है, जिससे रामगंगा का खादर क्षेत्र संकरा होता जा रहा है। उक्त पर तुरंत कार्यवाही कर गंगा के खादर की भूमि को बचाया जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद। जनपद मुरादाबाद में एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। यहाँ पर दाल रोटी बैंक द्वारा लंगर लगाया गया। यह लंगर सभी लोगों के लिए लगाया जाता है। इसमें कोई भी गरीब अमीर आकर अपनी सेवा दे सकता है। अभी तो दाल रोटी बैंक के लोग अपने घर से खाना बनाकर लाते हैं और लोगों को बांटते हैं। उनके सराहनीय कार्य की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट, मुरादाबाद।